मैंने आपका नाम बहुत सुना है। शहर के लोग कहते हैं आप बहुत चमत्कारी बाबा हैं। बच्चा, तुमने हमारे बारे में कुछ कुछ ही सुना है और कुछ कुछ नहीं सुना है। मैं कुछ समझा नहीं बाबा। तुम बच्चा धीरे धीरे सब समझ जाओगे। हमारा नाम इस शहर में नहीं पूरे देश में है। पूरे देश के लोगों ने हमारे चमत्कार को देखा है। पूरे देश ने देखा, मगर मैंने तो एक भी चमत्कार नहीं देखा। नहीं देखा, समझ गया, तुम किसी दूसरे देश से आए हो। हाँ बाबा, मैं बांग्लादेश में रहता हूँ। बाबा आप बहुत ही ज्ञानी हैं। नहीं, हम बड़े चमत्कारी हैं। बोल, तू क्या देखेगा? सच बाबा बोलो। यहाँ सिर्फ सच बोला जाता है, झूठ नहीं। बोल बाबा, ये मेरे पास 500 का नोट है, नकली। आप इसे अपने चमत्कार से बना दो असली। बस इतनी सी बात, रख दो यहाँ 100-100 के 5 या 500 के 1, बोल क्या बना दो? 100-100 का 5। 100-100 का 5। जय माँ काली, जय माँ काली, कलकत्ते वाली। इस नोट को असली बना दे। जय माँ काली, कलकत्ते वाली। जय माँ काली। बच्चा, 100-100 के नोट में नहीं, बोल 500 का बना दो। बना दो बाबा। चमत्कार में मेरे साथ हाथ जोड़ो। चमत्कार में आंखें बंद करो। चमत्कार में आंखें बंद करो, आंखें मत खोलो। जय माँ काली कलकत्ते वाली। जय माँ काली, इसके नकली नोट की असली बना दे। बच्चा देखो आंखें खोलकर क्या है। अरे बाबा, ये तो असली बन, ये तो असली बन है। आप तो सचमुच के चमत्कारी हैं। मैं कल आता हूँ और मिल गया। कल फिर आऊंगा, ऐसा बोला था जिसके उसने बाप ने यह नोट छापने की मशीन रखी है। मैं लोगों को उल्लू बनाता हूं, वे मुझे उल्लू बना गया। मेरे पास 500 का एक ही नोट था, वो भी वो ले गया। ठीक है बेटा, तू कल आना, मैं कल तुझे छठी का दुधिया दिला दूंगा। नहीं दिलाऊं तो मैं नकली बाबा नहीं। मुझे पुलिस के हवाले मत करो सेठ जी। बताइए सेठ जी, इसने क्या कहा? मैंने इसे क्या समझा और क्या निकला, ये इस गली के कीड़े को मैंने रेशम की दाल पर बिठाना चाहा। सेठ जी मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। मैं कैसे माफ कर सकता हूँ तुम्हें, तुमने मेरे तिजोरी पर हाथ साफ किया है। न जाओ इंस्पेक्टर साहब, इसे जेल में डालो। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा सर जी, मुझे माफ करो। चलो मैं तो सीधा करूंगा जेल में। अरे इंस्पेक्टर साहब, इस चोर को फिर लिया है आप, और ये कौन है? ये आपका नौकर वफादार है, इसने कोई चोरी नहीं की। असली मुझे मुझे है रामू, तुम पे हमने गलत शक किया और तुम गुनाकार नहीं हो, जा सकते हो और इसे इंस्पेक्टर साहब रख ले जाके जेल में डाल। कपड़ा आपका।
मैं आपका तुम्हारी मेहनत की या आराम की जोर लगाए उसी हिसाब से घटने की गारंटी हमारी साबुन के नाम से ना जाए। कुछ अपना दिमाग लगाए, जब भी लाए कोमल साबुन लाए। कपड़ा आपका, मैल आपका, कमाई मेहनत की या हराम की जोर लगाए उसी हिसाब से घटने की गारंटी हमारी। और हाँ, साबुन के नाम पे मत जाए, जब भी लाए कोमल साबुन लाए। अरे कभी तो बात की ना, कम से कम ये तो बता दो। कौन धंधा करके हम तीनों तुम्हारी फिल्म देखने के लिए गए, लेकिन तू फिल्म में कहीं गई ही नहीं। टाइटल से लेके एंड तक पूरी फिल्म देखी और फिल्म में तू कहीं दिखा ही नहीं। पूरे 3 घंटे बर्बाद किए, 1000 रुपया का चुना अलग से लगा और पूछता है मां क्यों रह रहे हो। अरे रुको, कुछ मेरी भी तो सुनो। सुना क्या सुनाता है, अब क्या सुनना सुनाना बाकी है। फिल्म देखने के लिए मैंने तुम्हें बोला था। नहीं, नहीं। अरे मूर्खो, मैंने फिल्म में नहीं, फिल्म के पोस्टर में काम किया। क्या? क्या? बाहर के बापियों जाओ अपने अपने घरों में, पैसा लेकर आओ, हफ्ता फुलने डॉन आया। तो कौन सा डॉन है, जादू वाला या गली में पिटने वाला? क्या मेहनत कर, वरना सारे दिमाग की हट गई तो सब निकल जाए दौड़ गिरी। हराम ज्यादे, तुझे मेरा ही घर मिला था उजाने को। इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको सारे सबूत दे दिया, जिस दिन इसे फांसी की सजा होगा मैं अपने घर में घी के दिए जलाऊंगा। ले जाइए इसे यहाँ से, इसे देखते ही मेरे आंखों में खून भर आता है। नमस्कार धीरू भाई। नमस्कार। ये है हमारे मोहल्ले के युवा मंत्री। नमस्कार। बोलो मंत्री जी, क्या समस्या है? मंत्री बनने से गरीब मोहल्ले के लोग मुझसे जल रहे हैं, टीवी चैनल वाले मुझे भाव नहीं दे रहे हैं, कहते हैं मोहल्ले के नेता हूँ मोहल्ले में ही रहो। इन सबको सबक सिखा के मैं अपनी मन की भड़ास कैसे निकालूं? तू ऐसा कर, एक अखबार निकाल और उसका नाम रखो मन की भड़ास, और अखबार में लिख कर हर हफ्ते अपने मन की भड़ास निकाल। हमें लगता है इस नाम से कोई अखबार निकलता है। अरे इस नाम से तो कोई अखबार नहीं निकलता, रेडियो पे एक कार्यक्रम आता है मन की बात। मैं बोल तो सकता हूँ पर लिख नहीं सकता। अरे तू इसका टेंशन मत ले, मैं लिख दूंगा। नहीं, मेरे मोहल्ले के 3-4 अखबारों में मैं ही लिखता हूँ। भाई आपने तो कमाल का आइडिया निकाला। तो आप मानते हैं कि आपने सिग्नल तोड़ा? जी सर, मैंने सिग्नल तोड़ा। तो सिग्नल की रिपेयरिंग में 5 से 6 हज़ार का खर्चा आता है। डरो नहीं, मैं आपको दोनों कंडीशन बता देता हूँ, रसीद के साथ 6 हज़ार, बिना रसीद के 3 हज़ार। हवलदार साहब, रसीद के साथ 150 रुपये और बिना रसीद के साथ 20 रुपये। मुझे जाना इंडिया के हमीरबाज में, मुझे देर हो रही है। कमाल है, जिसे देखो वो इंडिया के हमीरबाज भी जा रहा है। तेरा क्या होगा कालिया? सदा बस मुझे एक दिन की जिंदगी दे दो। एक दिन की जिंदगी तो मैं दे दूंगा, मगर कालिया एक दिन में क्या तू गब्बर सिंह बन जाएगा और पूरे रामगढ़ में तेरा नाम हो जाएगा। सरदार, मैं इंडिया धनबाद में अपना हुनर दिखा के पूरी दुनिया में नाम अपना रोशन कर दूंगा।
क्या कहा कालिया, एक ही दिन में पूरी दुनिया में तेरा नाम हो जाएगा। हाँ सांभर। अरे ओ सांभर, मेरा और कालिया का, हम दोनों का बोरिया बिस्तर बांध दे, हम दोनों जाएंगे इंडिया के हुनरबाज में। हाँ भाई, आप खुली तो मैंने देखा, मैं मोहन बेच रहा हूँ। मेरे जमीन ने मुझे कहा, बाबू तू दलदल से बाहर निकल। भाई मैं धंधा छोड़ना चाहता हूँ। क्या कहा, धंधा छोड़ना चाहता है? सुन, पेट भरने के लिए मैं क्या, तुम क्या, ये सब के सब कुछ ना कुछ करते हैं। कुछ करने से ही कुछ होता है, बगैर कुछ के कुछ नहीं होता। चोर चोरी भी चोरी से करता है। तू तो खुले में माल बेच रहा है, तू कौन सी चोरी कर रहा है? सुन, मोहल्ले के और दो चार लड़के पकड़ और अपना धंधा बढ़ा ले। अब बोल तुझे किस कदर ऊपर वाले का मेरी किस्मत से स्टोरी का इंटरवल जाके सीधा डीएन कर दिया। क्या क्या, मैं नहीं डरता तेरे गीदड़ धमकियों से। अरे डरा कौन रहा है, और धमकाए मेरे दुश्मन। मैं तो अभी दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देती हूँ। ना दूध वाला आया, ना नल से पानी आया, तू कैसे अलग अलग कर देगी? अच्छा ये बात है, तो सुनो वो बेल ले जाओ। भगवान के लिए अपने चिंता मत माना करो। क्यों, भी बाथरूम में जाकर कपड़े निकाल, अपने बदन को देखता हूँ, पूरे बदन में बेलन चिंते के निशान ही निशान है। भगवान कसम एक जगह को। बात कुछ क्यों है मास्टर जी, मंत्री बनने से मोहल्ले के लोग जलने लगे हैं। टीवी चैनल वाले मुझे भाव नहीं दे रहे हैं। मैं इन सबको सबक सिखाकर अपनी मन की भड़ास निकालना चाहता हूँ। मास्टर जी आप मुझे कुछ सुझाव दें। तू ऐसा था कि एक अखबार लिखा और उसका नाम मन की, उसमें लिखकर हर मन की भड़ास। मास्टर जी मुझे लगता है इस नाम से कोई अखबार निकलता है। नहीं, वो रेडियो कार्यक्रम है। मास्टर जी मुझे बोलना आता है, लिखना नहीं आता। तू टेंशन मत, लिख मैं दूँ। वैसे भी मोहल्ले के चार अखबार में। वाह मास्टर जी वाह। चलो पूछ लेते हैं। यार विराट, राज ने मुझे बताया तेरा बेटा इतना सुंदर हुआ है, एकदम क्या अमीर खान जैसा दिखता है। मुबारक हो यार। इस ऊपर वाले की मेहरबानी है। ऊपर वाले की, वो जो विराट चिकना रहता है उसकी मेहरबानी। क्या बात है, बड़ा उदास है। तेरी जैसी किस्मत कहा, तू तो हमेशा ही खुश रहता है। दूसरों के टेंशनों से मैं खुश रहता हूँ। वो कैसे? छोड़ ना यार, तू ये बता इतना उदास क्यों है? मेरा एक दोस्त स्कूल के पैसे भरने बांगू नगर से जेबीपीडी जा रहा था, रास्ते में किसी जेब खतरे में उसकी जेब कट गई। साल तो बेचारे के गए ही, मगर 10,000 रुपये मान ली उसे ब्याज से ला कर दिए। चोर तो चोरी करके निकल गया। समझ में नहीं आ रहा उस दोस्त का क्या होगा। और हमें रोता छोड़ गया। 5,000 रुपये जमा करने में मुझे 6 महीने लगे थे, अब फिर 1 साल मरमर के जीना पड़ेगा। खुदा उस चोर को मौत दे दे, उसके हाथ पैर टूट जाए।
वो अंधा हो जाए, चोरी करने लायक नहीं रहे। आज शाम 5 बजे से पहले ये रुपए तेरे पास कैसे? कहीं तू हाँ मगर चल, टाइम कम है, कम से कम चले उस दोस्त का साथ तो बचा लें, शायद मुझे माफ कर दे। और कैसे आना हुआ? 500 रुपये उधार ले थी। मैं नहीं थी। ना पीने वाले हम पीने वालों को परेशान करते हो? धुआं चलेगा कोई बात? ऐसे कहा? आपके पास क्या कमी? रुको, आप जहर पी रहे हो, आप जहर सह रहे हो। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आज से मैं भी सिगरेट छोड़ देता हूँ। बोल दे तुझे कितना पैसा चाहिए, बोल दे तुझे कितना पैसा चाहिए, चल मैं तुझे देता हूँ। सिने ट्रेनिंग सेंटर लाए हैं नए कलाकारों के लिए खुशखबरी। सिने ट्रेनिंग सेंटर में डांस, फाइट, डायलॉग डिलीवरी की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें शूटिंग के माहौल से वाकिफ भी कराती है। सीटीसी के प्रतिभाशाली कलाकारों को बॉलीवुड के जाने माने कलाकारों के साथ काम करने का भी मौका दिया है। सिने ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन कीजिए और फिल्मों में काम मिलने की पूरी गारंटी भी पाइए साथ ही साथ। प्रवेश के लिए उम्र व शिक्षा का कोई बंधन नहीं, शीघ्र दाखिला ले लें। संपर्क करें हमारा पता, सिने ट्रेनिंग सेंटर, सूरज कुमार शर्मा, मालवानी कस्तूरी सोसाइटी, प्लाट नंबर 127, रूम नंबर D5, गेट नंबर 8, मालवानी महाडा, मलाड वेस्ट, मुंबई।